सूर्य देव को समर्पित मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन सूर्य धरती का चक्कर लगाते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जिस वजह से आज के दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी शुभ कामों पर लगी रोक हट जाती है। शास्त्रों की माने तो कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, जैसे कि देर से उठना। महिलाओं और घर के अन्य सदस्यों को मकर संक्रांति के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि सुबह जल्दी उठकर मंदिर गुरुद्वारा साहब जाकर अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बिना पूजा के खाना। मकर संक्रांति के दिन बिना पूजा पाठ के कुछ भी खाना शुभ नहीं माना जाता। इस शुभ दिन के अवसर पर पूजा पाठ के बाद ही कुछ खाएं तो बेहतर होगा। फसल काटना। लोहड़ी व मकर संक्रांति को प्रकृति से जुड़ा त्यौहार माना जाता है। ऐसे में इस दिन अगर फसल काटने की योजना हो तो उसे टाल दें। इस दिन किसी भी तरह की कटाई छटाई आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। इसका असर आपके आने वाले साल पर भी पड़ सकता है। बाल धोना। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटिंग करवानी चाहिए। नॉनवेज का सेवन करना। कुछ लोग त्योहार की खुशी में मांसाहारी भोजन करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मांसाहार का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। लड़ाई झगड़ा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किसी से भी बहस और झगड़ा करने से बचें। खास तौर पर बड़े बुजुर्गों की कोई बात टालने की बजाय पूरी श्रद्धा से उनकी हर बात माने। इससे पूरे साल भर सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। नशे का सेवन। मकर संक्रांति के दिन शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करने से बचें। इस शुभ दिन के अलावा कभी भी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फेसबुक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर DNX TV सर्च करें। ट्विटर से जुड़े रहने के लिए ट्विटर पर DNX TV सर्च करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dainandini.in पर लॉगिन करें।